इस्लामाबाद में अभी 4 दिन पहले भी मीटिंग की थी, 3 दिन पहले, और चारों सूबों के चीफ सेक्रेटरीज या वज़ीरे आला वहाँ पर मौजूद थे और वफाकी हुकूमत मेरे साथ पूरी मौजूद थी। हमने ये फैसला किया है कि जहाँ पर तकरीबन पूरे पाकिस्तान में कोई 300 से ज़ायद लोग अल्लाह को प्यारे हो गए हैं, यहाँ बलूचिस्तान में तकरीबन 124 लोग जिनमें ख़वातीन भी शामिल हैं, जिनमें मर्द हज़रात, बुज़ुर्ग, बच्चे शामिल हैं, वो अल्लाह को प्यारे हो गए हैं और कई बेशुमार ज़ख्मी हुए हैं। तो यानी जो माली मुआवजा जो है, ये किसी इंसान की जानी नुकसान का कोई कॉम्पनसेशन नहीं होता, वो उनके प्यारे ज़िंदगी भर जो बिछड़ जाने वालों को हमेशा याद रखते हैं। लेकिन बहरहाल ज़िंदगी गुजारनी है और हुकूमत ने ये फैसला किया है कि जो अल्लाह को प्यारे हो गए वफाक उनको 10 लाख रुपया, जहाँ पर जिसका प्यारा अल्लाह को प्यारा हो गया घर वाला, उनको जानी नुकसान के तौर पर हम देंगे, सूबाई हुकूमत के अलावा 10 लाख रुपये देगी। इसी तरीके से जो घर जो सैलाबों में जो तबाह हुए हैं, हमने पक्के और कच्चे घरों की तमीज़ ख़त्म कर दी है। चाहे वो कच्चा है पक्का घर, अगर 100% वो तबाह हो